नमस्ते सत श्रीकाल, हाजिर हूँ मैं आपके साथ एक नई वीडियो में। आपको घुमाने लाया हूँ हुमायूं टॉम, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं। मेरे पीछे हुमायूं टॉम जाने के लिए रास्ता, और यहाँ पर है ईसा खान का मकबरा। तो सबसे पहले मैं आपको घुमाऊँगा ईसा खान का मकबरा, तो चलो चलते हैं ईसा खान का मकबरा। मेरे सामने है ईसा खान का मकबरा, और यह है इसका एंट्री गेट, और सामने ही आपको दिख रहा होगा ईसा खान का मकबरा। और यहाँ पर है नोटिस बोर्ड, आप मेरी वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और सामने है ईसा खान का मकबरा, ये देखने में काफ़ी सुंदर है, और वाइट संगमरमर से बना है, और इसकी गुंबद पर नीली टाइलों और सफ़ेद संगमरमर से कारीगरी की गई है। और टाइम करीब 1 बजे का हो रहा है, आप देख सकते हैं भीड़ कितनी है यहाँ पे। ईसा खान के मकबरे के जस्ट राइट में है मस्जिद, तो मैं आपको मस्जिद भी दिखाऊंगा। यहाँ पर है मस्जिद, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मस्जिद है। यहाँ पर इस तरीके से 2 गेट पड़ेंगे, पहला ये है, एक इससे आगे है, फिर हुमायूं टॉम है। मैं आपको लेकर चलता हूँ, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। यहाँ पर है बू हलीमा गेट, जो कि बंद है, आप वीडियो पॉज करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो चलो चलते हैं आगे की ओर। ये है सेकंड गेट हुमायूं टॉम की एंट्री का, और हमारे सामने ही है हुमायूं टॉम। तो चलिए देखते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों, यह है मेरे सामने हुमायूं का मकबरा, जो कि हुमायूं की बेगम हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं को मरने के 8 साल बाद बनवाया था, और इसको बनने के लिए 8 साल का समय लगा था। एक पहला ऐसा मकबरा है जिसमें इतनी तादाद में लाल बलवा पत्थर और संगमरमर का यूज हुआ है। यहाँ पर दोस्तों हुमायूं की कब्र के अलावा 150 से भी ज्यादा कब्रें हैं, और यहाँ पर उनकी बेगम हमीदा बानो और शाहजहाँ के बेटे दारा सिको की भी कब्र मौजूद है, और उनके उत्तर अधिकारी जो होते थे, जो सैनिक वगैरह होते, उनकी कब्र भी यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, आप इस हुमायूं टॉम की खूबसूरती देख ही रहे होंगे, जो कि लाल बलवा पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है। ये ताजमहल बनने से 60 साल पहले बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि थोड़ा सा डिज़ाइन इसमें से भी लिया गया है ताजमहल को बनाने के लिए। ये हैं ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ। अभी मैं हुमायूं टॉम के ऊपर हूँ, और आप नीचे गार्डन देख सकते हैं, कितना प्यारा है, कितना हरा भरा है, और आपको दिख ही रहा होगा। और ये सामने जो पब्लिक आ रही है, यहाँ पर है मेन गेट, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखते रहिए आप। और यहाँ पर घूमने भी काफ़ी तादाद में लोग आते हैं, बाहर से भी और अपने इंडिया वाले भी।
मैंने आपको बताया था यहाँ 150 से भी ज़्यादा कब्रें हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, एक जीना वो था जहाँ से मैं आया था, और एक जीना ये है, देख सकते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से कब्रें हैं जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से छोटी छोटी कब्रें हैं। फिलहाल ही ऊपर बनाया गया, कब्र नीचे हैं, ये देखिए। हुमायूं टॉम का अंदर जहाँ पर हुमायूं की कब्र है, मैं आपको दिखाता हूँ हुमायूं की कब्र। हम जा चुके हैं अंदर, यहाँ पर भी कब्र हैं, देख सकते हैं आप। ज़्यादा बोलना अलाउड नहीं है। चलो चलते हैं बाहर, यहाँ पर अगर आप बोलते हो तो आपको गार्ड डांट देंगे। दोस्तों यहाँ पर है हुमायूं की कब्र, ये रही। तो चलो चलते हैं बाहर की ओर। जैन अब्दुल्ला, ये भी हमारे साथ घूमने आए हैं, और आप सभी ने ब्लॉग देखा ही होगा। अगर देखा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो जैन क्या करना? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।